जब आप एक बार आइसोमेट्रिक लेवल अचीव कर लें, यानी आपको पेन रिलीफ वगैरह हो जाए, थोड़ा सा आप स्ट्रेंथन फील करने लग जाएं, तो हम सेकंड स्टेज पर प्रोग्रेस करेंगे, जिसे हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ग्लूटियल मसल्स के अपन अभी बात कर रहे हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल की, यानी कि आपके जो बटक्स वाले मसल है उसमें जब आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने पैर को इस तरीके से उठाते हैं। आपको उल्टे लेटना है, पंजों को थोड़ा सा अपने ऊपर अपनी तरफ खींच के रखना है, नीज को स्ट्रेट रखना है और एक 20 से 30 डिग्री तक का टोटल पैर को आपको ऊपर उठा के रखना है। 3 से 5 सेकंड्स के लिए आप इसे मेंटेन करेंगे, फिर आप नीचे वापस लौट के आएंगे और सेम एक्सरसाइज को आप 5 to 10 रिपीटेशंस तक रिपीट करेंगे। मैक्सिमल मसल्स की हम बात कर रहे हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस की। आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, आपके बैक आपको मूव नहीं करना है, सिर्फ अपने बटक्स रीजन को हिंज की तरह यूज़ करके आप अपने पैर को पीछे की ओर उठाएंगे। कीजिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, पंजा आपका आपकी ओर होना चाहिए। पंजा नीचे करके दिखाएं, नीचे कैसे नहीं होना चाहिए, पंजा इस तरीके से नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी फुट ऊपर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ होना चाहिए। स्ट्रेट कीजिए, घुटना सीधा होना चाहिए, बॉडी सामने की तरफ फॉरवर्ड फॉल नहीं होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट बॉडी होनी चाहिए। 20 से 30 डिग्री तक आप ऐसे पीछे लेके जाएंगे, 3 से 4 तक की काउंट तक आप इसे होल्ड करेंगे, फिर आप वापस रिटर्न लेके आएंगे। रिपीट कीजिएगा ये एक्सरसाइज, आप टोटल 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। थैंक यू।